हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। तो राजस्थान की संपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की अपडेट आपको इसी एकमात्र चैनल पर मिलती रहेगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती के सिलेबस के बारे में और कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी जो भी संपूर्ण हो चुकी है उसकी सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने इस घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों पटवार परीक्षा की संपूर्ण सीरीज आपको टाइम टाइम अपडेट मिलने वाली है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल जाए। तो दोस्तों, ये आज ही के दैनिक भास्कर की न्यूज़ है जहाँ पर आप देख सकते हो पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए राजस्व मंडल ने सभी जिलों से आरक्षण अनुसार पदों की संख्या का आंकड़ा जुटा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपके सभी जिलों के आरक्षण के अनुसार आंकड़ा यहाँ पर पदों का जुटा लिया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हो आज ही के 23 सितंबर की सुबह 6:41 की ये न्यूज़ है जहाँ पर लिखा है पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने सभी जिलों के आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या का आंकड़ा जुटा लिया है। पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी दक्षता के लिए भू राजस्व नियमों में संशोधन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। यह पूरी होने के साथ ही राजस्व मंडल की ओर से राजस्थान अधीन सेवा चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके लिए भू राजस्व नियमों में संशोधन की अधिसूचना विवि विभाग द्वारा जारी की जाएगी। तो हर बार दोस्तों आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं ये जो वो तो आएंगे, साथ में जो आपकी कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता जो RSC से संबंधित है वो यहाँ पर अब कुछ यहाँ पर परिवर्तन आपका किया जाएगा। कंप्यूटर संबंधी शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया जा रहा है। राजस्व मंडल ने 1 महीने पहले संशोधन संबंधी प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जो राजस्व और वित्त विभाग से मंजूर हो चुका है। अब भू राजस्व नियमों में संशोधन विधि विभाग को करना है जो इस हफ्ते हो सकता है। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग और EWC यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधित प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण मंडल के स्तर पर किया जा चुका है। नियम संबंधी अधिसूचना जारी होते ही अधीन सेवा चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती संबंधी घोषणा की है। पटवारी पद पर आर्थिक भर्ती 2015 में हुई थी, प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए हुई थी। 2015 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए शैक्षणिक योग्यता RSC रखी गई थी जो कंप्यूटर ज्ञान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इस भर्ती में तब बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे जो कंप्यूटर में उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थे लेकिन उन्हीं ने RSC नहीं की थी। नियमों के तहत RSC की अनिवार्यता का हवाला देते हुए कंप्यूटर में BTEC और MTEC सहित उच्च डिग्री प्राप्त आवेदकों को भर्ती से इनकार कर दिया था। नतीजा आपका यह निकला कि राजस्थान हाईकोर्ट में करीब 300 रिट दाखिल हुई और मामला अदालती विवाद में फंस गया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधित शैक्षणिक योग्यता में RSC के अलावा सभी उच्च डिग्रियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए पटवारी भर्ती को लेकर बने राजस्व भू विभाग नियम 1957 में संशोधन जरूर किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके संबंध यही अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आप इस अपडेट को समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होता है सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय।